देखिए, मैं ये वीडियो बनाना तो नहीं चाह रहा था, पर बनाना पड़ रहा है। पर कुछ लोगों को समझाना ज़रूरी है, इस वजह से बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ दिन से मैं अपने इंस्टा पे या फेसबुक पे इस तरह के मैसेज देख रहा हूँ, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। और साथ ही साथ मैं यूट्यूब पे भी काफ़ी ऐसी वीडियो देख रहा हूँ जो कुछ जो सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं उनके खिलाफ़ बनाई जा रही है और उनका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बिकम यूट्यूबर नॉट बेगर, यानी कि यूट्यूबर बनो पर भीख मत मांगो उसके लिए। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए, मैं अब तक क्या करता था कि किसी भी का भी मैसेज आता था मेरे इंस्टा पे या कुछ, तो मैं थोड़ा उस तरह का आदमी हूँ कि किसी की भी हेल्प करना चाहता हूँ। तो अगर वो कुछ टिप्स मांगते थे, मैं टिप्स शेयर करता था, कैसे अपने चैनल को ग्रो किया जाए, ये मैं करता था। पर अब मुझे डर लगने लगा है किसी का भी रिप्लाई करने से, क्योंकि सीधा आदमी आके बोलता है, आप अपने कम्युनिटी टैब में मेरा वीडियो का लिंक डाल दीजिए, मेरे चैनल का लिंक डाल दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए और बोल दीजिए कि सब्सक्राइब कर लें। और उनकी अगर आप चैनल को देखोगे तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा देखने लायक नहीं रहेगा, पर ज़बरदस्ती है कि हाँ डाल दो। यहाँ तक कि काफ़ी अजीब अजीब वीडियो भी आते हैं और उन्हें लोग कहते हैं कि इसे शेयर कर दो। यहाँ तक कि ये भी नहीं सोचते हैं कि मेरा चैनल जो है वो किस टॉपिक पे है या उनका चैनल किस टॉपिक पे है, बस कर दो भाई, कर दो। और ऐसी मैंने कई वीडियो देखी जिसमें दया शंकर बिकम यूट्यूबर हैं, उनके खिलाफ काफ़ी गलत बातें बोली गई और कहा गया कि वो हमारी मदद नहीं करते, तो वो इसकी मदद करते हैं, लड़कियों की मदद करते हैं, जो भी फलाना ढिकाना बोला गया। तो वो भी मुझे काफ़ी बुरा लगा। यार, तुमको मदद चाहिए क्यों? क्या तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है? ये तुम्हें पता चल चुका है क्या? उस आदमी ने या किसी भी सक्सेसफुल यूट्यूबर को आप देखेंगे, क्या उसने मदद मांग के ही वहाँ तक पहुँचा है? ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आप उस मुकाम तक अपने आप पहुँच जाएंगे, आपको इसके लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है, और कभी कभी होता है कि हर काम हर किसी के लिए नहीं बना होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका किसी और का कोई और यूट्यूब में चमक गया, उसका किस्मत चल गई तो आपकी भी चली जाएगी। पर हाँ, ज़रूर आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है और आप किसी के ऊपर बंदूक लेके चलाते रहें और वो चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। सही निशाने पे नहीं लगेगी। ज़रूर हो सकता है कि आप एक बार अपने वीडियो को रिकमेंडेड कर दें उसके चैनल पे, और आपका एक वीडियो ज़रूर कुछ लोग देख लें, पर अगली बार से नहीं देखेंगे अगर उन्हें वहाँ पर कुछ अच्छी क्वालिटी की वीडियो नहीं लगेगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं कई बार पूछता हूँ, यार आपकी एज क्या है? जब वो मुझसे बोलते हैं कि मेरे चैनल को आप प्रमोट कर दीजिए या कर दें, तो बोलते हैं 12 साल, 13 साल, 14 साल। यार, यह या आपकी पढ़ने की उम्र है। आप कोई भी सक्सेसफुल यूट्यूबर का बैकग्राउंड चेक करिए जो अभी पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब में लग गया है और वो सक्सेसफुल है, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप फिर भी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल पार्ट टाइम कर सकते हैं, मैं इसके लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, पर आप यूट्यूब का रूल भी जानते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर की एज होनी चाहिए, और कहीं भी काम करने के लिए आपको 18 वर्ष या उससे ऊपर की एज ज़रूरी है। पर फिर भी आप करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। और ऐसा मत सोचिए कि आज ही के आज आप YouTube पे आएंगे और सक्सेसफुल हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत लगती है इसमें और मेहनत करनी पड़ेगी भाई। मैं कल की बात बताता हूँ, मुझे एक बंदे ने बोला कि मेरा, उसको ये तक बोलने नहीं आ रहा था, अपने पता नहीं कम्युनिटी टैब बोलने जा रहा था, बोलना चाहता था, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलना चाहता था, वो बोल रहा था मेरे से कि प्लीज़ भाई अपने कमेंट्री बॉक्स में मेरा वीडियो का लिंक डाल दीजिए। मैंने कमेंट्री बॉक्स, भाई ये कौन सा फीचर आ गया नया यूट्यूब में, मेरे को तो पता भी नहीं है। फिर मैंने उसकी वीडियो खोल के देखी, तो वीडियो में उसने अपना फेस रखा हुआ है, अपना सेल्फी कैमरा ओपन करके, और बोल रहा है आज मैंने नहाया भी नहीं दोस्तों, आज मैंने ये भी नहीं किया, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। यार, तुमने नहाया नहीं नहाया, तुम हो कौन भाई? क्यों देखना देखना चाहेगा कोई आदमी? तुम क्या बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो? पहले काम सीखो यार, ज़बरदस्ती काम किसी से मदद मांग के और अपना चैनल चला लेना, ये कहीं कभी समझदारी नहीं है। आखिर में तुम अगर अपनी मेहनत से भी उस मुकाम तक पहुंचोगे तो पीछे से लोग यही कहेंगे कि इसने भीख मांग के सब्सक्राइबर लिए थे। तो आप समझ रहे होंगे कि आपको अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप यहाँ चल सकते हैं, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता और आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ये है, ठीक है, मैंने किसी से मदद नहीं मांगी। मैंने अभी कुछ दिन पहले 3 लाख की बाइक खरीदी है। आप जो मेरे चैनल से जुड़े हैं वो जानते ही हैं, मैं और भी काम करता हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब करता हूँ, और भी काम करता हूँ, पर जो मैंने बाइक ली वो सिर्फ यूट्यूब के पैसे से ली, और मैंने किसी से मदद नहीं मांगी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए बस, और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मेहनत करिए,
अपने बलबूते पे खड़े होइए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, शेयर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।